गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक सवाल और था कि ये जो अस्तर के साथ हम जोड़ते हैं तो इसमें फिनिशिंग नहीं दिखाई देती, तो ये छोटी बच्ची है इसलिए मैंने इसे अस्तर के साथ जोड़ा है। इसे अस्तर के साथ ना जोड़ा जाए और अलग से ही इसे जोड़ा जाए तो भी चलता है। अब ये जो बड़ी वाली साड़ी है इसमें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जिसमें हमने चेन लगाई हुई थी, ये चेन लगाई हुई है, ऊपर की ओर हमने नेफा लगा लिया है। जहाँ से चेन लगी हुई है वहीं से हमने नेफा लगाया है और इसमें नाड़ी पिरोली है। अब ये वाला भाग, सिलाई वाला भाग, पीछे की सिलाई और आगे की सिलाई इस तरह से मिलानी है। मिलाने के बाद ये वाले भाग भी बराबर रखने हैं, यानी इस तरह नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बराबर में इसे रखने हैं और इस तरह से इसे यहाँ से पकड़ लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने पिने लगाई हुई हैं, आप देख सकते हैं, इसे मैं निकाल देती हूँ। अस्तर वाला भाग अंदर है, अस्तर वाले भाग को हमने हाथ नहीं लगाया है और ये चिमटियों वाला भाग है और ये प्लेट वाला भाग है। अब ये जिस तरह से यहाँ पे आ रहा है ये काफ़ी ढीला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हाथ है, यानी ये अच्छी तरह से पैर रह जाएगा। इस तरह से रखना है इसे इस कपड़े पर और नीचे की कोई प्लेट ना आ जाए इसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे पिने लगा लेनी है। इस तरह से अब इस ओर से भी देख लेना है कि ये बराबर दिखाई दे रहा है क्या। ये काष्टे वाला भाग है और जो हमने पिने लगाई हुई है ये वाला भाग है, यानी ये छिप ही जाएगा। अब बराबर तसल्ली हो गई तो अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, लेकिन इससे पहले इस दूसरे पैर में, यानी ये जो प्लीट वाला भाग है, यहाँ पर भी हम पिन लगा लेते हैं। इसे हमने दूर कर दिया, ये पीछे वाला भाग यानी चिमटियों वाला भाग है, जहाँ से हमने चिमटियाँ ली हुई थी, ये चिमटियों वाला भाग, और इसे इस तरह से रख देना है। पल्लू को हटा लेना है अच्छी तरह से, अस्तर वाला भाग अंदर की ओर कर देना है, इस तरह से रखना है। और ये आखिरी वाली प्लीट, ये तो काफ़ी छोटी है, अब इसके बाद वाली प्लीट यदि इसे हम इसके साथ जोड़ें, इसके बाद चौड़ाई देख लेनी चाहिए। यदि इस तरह से हमें समझ में ना आए तो इसे पलटा लेना चाहिए। इसे हमने उल्टा कर लिया है, फिर से इन दोनों सिलाई को मिला लेना है ताकि कोई पैर छोटा या बड़ा ना हो जाए। अस्तर वाले भाग को अंदर कर देना है, अब इस भाग को रखना है। अस्तर वाला भाग कहाँ तक जा रहा है ये देख लेना है, यहाँ तक है, इस तरह से हम इसे रख सकते हैं यहाँ तक, कुछ भाग खुला रहने देना चाहिए। अब इस भाग में भी हमने अस्तर को अंदर ही रहने दिया है और इस तरह से पिने लगा लेनी है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये बराबर चौड़ाई में होना चाहिए और पिन को लगाने के बाद हमें देख लेना है कि ये सामने से कैसा दिख रहा है। यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे, अब इसे सामने से देख लेंगे हम। ये प्लीट वाला भाग है और जो पिन वाला भाग है ये यहाँ पे है, यहाँ पे पिन लगी हुई है, तो ये अच्छा दिख रहा है, यानी कोई प्लीट नहीं दब गई है इसमें, सब कुछ ठीक है। तो अब हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमने ये वाला भाग ले लिया है, सिलाई हमें यहाँ से लगानी है। अब हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है तो हम यहीं से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। पिन को निकाल देना है, टांका मैंने बड़ा रखा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा पक्का कर लेना है। इसके बाद मैंने हरा धागा पिरोया हुआ है इसलिए इस हरी लाइन से ही मैं सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से
अब इसे हम यहाँ तक भी ले सकते हैं। इस भाग में भी हमें थोड़ा पक्का कर लेना है। अभी हमने सिलाई लगा ली है, अब इसी तरह से इस दूसरे पैर में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसे भी हम इस तरह से रख लेंगे। सिलाई हमें जहाँ तक लगानी है वहीं से मैं सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ, और इस पीछे वाले कपड़े को इस किनार तक ले आना है इस तरह से। टांका मैंने यहाँ भी बड़ा रखा हुआ है। सिलाई लगा लेनी है ऊपर तक, और ध्यान रखना है कि ये वाला भाग मतलब एक सतह में होना चाहिए, काफ़ी सारे कपड़े ना आ जाए साथ में। पक्का कर लेना है। अब ये इस तरह से सिलाई लग गई है, इस ओर भी और इस ओर भी, और अस्तर वाला भाग अलग है। अब ये शाही मस्तानी साड़ी तैयार हो गई है, और इसके साथ ये ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ है, ये डोरी लगी हुई है। और अगर आप इस साड़ी को हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। इसकी लंबाई है 28 इंच लगभग, ये 28 इंच लंबी है, और कमर वाला भाग आप देख सकते हैं, कमर वाला भाग लगभग 28 इंच है। और इसमें चेन भी लगी हुई है ताकि आप इसे आसानी से पहन सकें। और ब्लाउज़ में अंदर की ओर मार्जिन भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी नाप लेने के बाद आप इसे खोल भी सकते हैं। ब्लाउज़ की कमर का नाप यदि लिया जाए तो ये 12.5 यानी 25 इंच की ये कमर है, और चेस्ट का जो भाग है ये यहाँ से 13.5 है लगभग, यानी 27 इंच का है। और बाही इसमें इस तरह से है, और बाही का दंड घेर भी जो है इस तरह से, ये 9 इंच का है, 4.5 यानी पूरा राउंड 9 इंच का है, 9 इंच का। ये साड़ी है और ये ब्लाउज़ है। और ये जो दूसरी साड़ी है जो हमने 1 साल की बच्ची की राजलक्ष्मी साड़ी बनाई है, जो पहली साड़ी है इस वीडियो की, ये साड़ी एक सैनिक की बेटी के लिए है जिसका नाम मिताली तानाजी कोरे है, जिसे प्यार से सभी माही कहते हैं। ये सैनिक की बेटी के लिए मेरी ओर से गिफ्ट है इस साड़ी का, और हम उसे भेज रहे हैं इस साड़ी को। तो मीनल कोरे जी, आपकी बेटी को मैं ये साड़ी जब भेज दूँ और आपको मिल जाए तो प्लीज़ एक फ़ोटो मुझे सेंड कीजिएगा इसे पहनाने के बाद अपनी बेटी की।